हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो है जेई 2020 टारगेट। आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन भेजे हैं, जो जो डाउट भेजे हैं, वो इस सेशन के साथ डिस्कस करूंगा। साथ में ही मैं आपके साथ टेस्ट प्लान भी डिस्कस करूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के भी बच्चे आप लोग जुड़े हुए हो। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए इम्पिटस गुरुकुल से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि डिफरेंट कोचिंग में जा रहे हैं और फिर वो क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसलिए ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी को, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि टाइम मैनेजमेंट क्या हो, दूसरा टेस्ट प्लानिंग क्या है हमारी, वो मैं बताना चाहूँगा, और आपको आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ाई करेंगे तो ही फायदा होगा। तो मैंने आप सभी को पहले भी बोला था कई बार, अभी क्योंकि इस समय सभी बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, न्यू बच्चे आते जा रहे हैं, तो ऐसे में बात नहीं हो पाती। तो मुझे जो बताया बच्चों ने, जो कॉल आया मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप दो जगह जा रहे हैं, जैसे एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, सेल्फ स्टडी कम हो रही है, क्योंकि आप सुबह से अभी स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे, ये एक क्वेश्चन था कि सर अभी तक तो हम स्कूल नहीं जा रहे थे पर अब हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, इवनिंग में कोचिंग, मॉर्निंग में स्कूल, तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूँ कि अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की तो आप समझ के चलना कि आप कितना भी पढ़ लें आपका सब बेकार है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना सेल्फ स्टडी के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। दूसरा टाइम, में एक और बात बोली थी कुछ बच्चों ने मुझे जो पूछी थी कि सर आपका सेशन, आपके वीडियो भी पढ़ने से भी देखना है, फिर इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पर भी मैथ्स पढ़नी है, उन दोनों को मैनेज कैसे करें। तो मैंने आप सबको पहले भी बोला था, एक बार फिर बोलूँगा कि आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हैं और साथ में इम्पिटस गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि वहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वही आप पढ़ के जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा आएगा। दूसरा, आपको एक ही टॉपिक पे वर्क करना होगा, इसीलिए मैं जो आपको टेस्ट प्लान बता रहा हूँ उसमें, क्योंकि आपने बोला था मुझे कि सर आप टेस्ट भेज रहे हैं पर वो टॉपिक हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा तो ऐसे में क्या करें, तो मैं एक आपको आइडिया देता हूँ कि इस केस में आप क्या करिए। नंबर वन, जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको जो टेस्ट भेजना चालू करूंगा, इस संडे से आपका एक तो टेस्ट चालू हो रहा है, सबसे पहला टेस्ट आपका आएगा बाइनोमियल थ्योरम, फिर आगे चल के अभी अलजेब्रा ही रखूंगा मैं पहले 11th के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्रेशन मींस एपी जीपी एचपी, राइट। इसके बाद फिर हम करेंगे सेट, ऐसे टॉपिक चलते रहेंगे, फिर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, राइट, एक्सपोलॉग, इस तरह से हम पहले एलजेब्रा को कवर कर रहे हैं। पर आपका वहां पर हो सकता है आपका वहां ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जो टॉपिक आपके वहां चल रहा है, अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं, इंडिविजुअली पढ़ाई कर रहे हैं केवल ऑनलाइन कोर्स से, तो फिर आप इसी ऑर्डर को फॉलो करें। अगर आप कहीं और जा भी रहे हैं साथ में, तो मैं बोलूंगा कि उन्हीं टॉपिक को पढ़े जो वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं और पढ़ के जाएं पहले वीडियो से, उसके बाद आप देखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ऑनलाइन से जुड़े इसलिए क्योंकि आपका वहां पे फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था, बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा था, मुझे जो दिक्कत दिखी जो आपने मुझसे बातें शेयर की। देखिए एक चीज समझिए, कभी भी जब हम जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन का ऑर्डर होना चाहिए बेसिक, फाउंडेशन, मेंस और एडवांस। अधिकतर जगह पे ये होता है कि पहले एडवांस पढ़ा दिया, फिर मेंस और फिर फाउंडेशन, लास्ट के 15 डेज में फाउंडेशन पढ़ाया जाता है, इसलिए कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले से 11th 12th का सिलेबस करा होता है, उनको प्रॉब्लम नहीं जाती, पर अगर आपने पहले से सिलेबस नहीं करा तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो आप ऐसे में कंफ्यूज होने की जगह एक ऑर्डर बिल्कुल क्लियर रखो जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कि पहले आपको 11th 12th का बेस बनाना है, यानी पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 11th और 12th में फुल मार्क्स कैसे हैं, ये होता है फाउंडेशन। अगर ये चीज कर ली तो आप IIT-JEE में सिलेक्ट हो जाओगे, अगर ये नहीं करा तो प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही कंसेप्चुअल पढ़ाई से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट है आपका, मैंने जो आपके साथ कोर्स भी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें तीन चीजें आपने देखी होंगी, मिली होंगी, एक फाउंडेशन है, एक मेंस है और एक एडवांस है। एक ही टॉपिक को 3 डिफरेंट वे से हमें कवर करना है। जब हम फाउंडेशन पढ़ें तो हम हर चीज को कंसेप्ट बिल्ड करें। फाउंडेशन पढ़ते समय मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बोलूंगा, टेक्स्ट बुक को जरूर करें, 10 गाइड सॉल्व नहीं करना, मिनिमम गाइड सॉल्व करें, एक गाइड सॉल्व करें, एक टेक्स्ट बुक रखें, इतना भी काफी होगा कंपेयर टू कि आप 4-5 गाइड सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप पहले फाउंडेशन अच्छे से करें, यानी पहले टेस्ट बुक को सॉल्व करें, भले वो NCERT क्यों ना, भले RD शर्मा क्यों ना, RS अग्रवाल क्यों ना, पर उसका हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का होना चाहिए, ये पहला ऑर्डर। जब वो हो जाए तो फिर मेंस वाले फोल्डर पे जाना है। मेंस वाले फोल्डर पे जाने से पहले जो JEE मेंस में क्वेश्चन आए लास्ट 10 ईयर 15 ईयर में, उनको सॉल्व करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी पेपर्स को।
वो सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद वो फोल्डर से पढ़िए, फिर एडवांस के, यानी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ट्राई ये करिए कि कम से कम आपकी 4 to 5 hours तो सेल्फ स्टडी हो, इतना अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसमें 2 hours मैथ्स, 1.5 hours फिजिक्स, 1.5 hours आप केमिस्ट्री रखिए, इतना अगर आप कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपके स्कूल भी ओपन हो जाएंगे तो ऐसे में आपका टाइम मैनेजमेंट लगेगा। वंस इन अ वीक अगर पॉसिबल हो तो स्कूल, अगर जिस दिन कम पीरियड हो ना जाएं तो अच्छा है, या स्कूल में आजकल क्योंकि कई सारे स्कूल्स में जैसे यहाँ पर भोपाल में भी होता है कि ऑफ जल्दी मिल जाता है, यानी टाइमिंग 4 to 5 hours होते हैं, अगर ऐसा हो सके तो बहुत ही अच्छा है, बात करें स्कूल में, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर पाएं। सोने से पहले आपको ये काम करना है, संडे को जितना पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करते हुए चलें। अच्छा, दूसरा इस बार एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये टेस्टिंग के साथ साथ इस बार आपके साथ ऑनलाइन टेस्टिंग का भी हम प्लेटफॉर्म ओपन रखेंगे, यानी आपको बाद में अक्टूबर के बाद में स्टार्ट करवाऊंगा, आपको अक्टूबर के बाद नवंबर से ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स भी देने रहेंगे, जिसमें आपके टॉपिक वाइज फुल लेंथ और मॉक टेस्ट होंगे, जिससे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस दे पाएं, क्योंकि इस बार आपको भी पता अच्छे से कि सारा IIT ऑनलाइन हो गया है, इस साल हो ही चुका है टेस्ट, तो इसका मतलब आपको अपने आप को ऑनलाइन भी पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। तो अभी मैं आपको ये टॉपिक भेजूंगा। अब मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, या सपोज फंक्शन चल रहा है, या सपोज डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो ऐसे में ये टेस्ट आप अभी पेंडिंग रख लें, अभी भले आपको मिले, इसको अभी मत सॉल्व करें, पहले आप वो करें जो चल, एक समय में 3 topics ना करें तो ही आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, 2-3 topics करेंगे तो कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे। तो याद रखिए जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक का सेशन देखो, फिर वो टॉपिक अटेंड करो, आपका परफॉर्मेंस 4 times बेटर हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और बिल्कुल मिसगाइड मत होइए, जब तक कि फाउंडेशन बुक सॉल्व ना हो आप आगे मत बढ़ो, आप एक बार इस चीज़ को फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। इस लास्ट ईयर और इस साल दोनों बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 100+ स्कोर मेंस और एडवांस में किया है, केवल मैथ्स में, ये अपने आप में अचीवमेंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी रिलेटेड डाउट हैं वो बिल्कुल मुझे भेज दें, कमेंट्स करके भेज दें या मैसेज मुझे करें, मैं आपके इस अब रेगुलर सेशन JEE के चालू कर दिए, अब लेता रहूँगा, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।